रायगड़ अधिष्ठाती देवी श्री श्री माँ मझीघरिणी मंदिर में बालीयात्रा उद्यापन कराइथिला प्रथम दिन में झंझावती नदी तीरू पूजा पाठ कर बालीयात्रा पूजक मैंने बाली मंदिर परिसर को आनी द्वितीय दिन में उक्त बाली नवध्यान नौ प्रकार शस्य मंजी बीछती आठ दिन पर्यंत उक्त शस्य मंजी गुड़िक बिना पानी से झुणा और पूजा अर्चना करने शस्य अमल होता है जो शस्य अमल भल हुए से शस्य वर्ष सब अधिक फसल होता है यह मान्यता रही अनादिकाल प्रत्येक वर्ष ही कार्यक्रम आयोजन कराए आज शेष दिन व नवमी दिन ठाकुरानी को पारंपरिक पूजा विधान रे संतोष कर पूजक माँ मझीघरियाणी अनुमति नहीं पूजक बेलकंटा दोली रे झुलंतु ओ जलंता अंगार रे खाली पाद रे चली चली शस्य पूजा अर्चना करती प्रत्येक वर्ष बाली माँ का दर्शन आंध्रा ओडिशा जीटी काम सब चिन्हपरिचय लोक अच्छा माँ को जानते से प्रत्येक वर्ष आसिकी अटेंड करती आर्षे बहुत किसी माने जोटा लॉकडाउन थिला से टाइम रे यात्रा हो पार नथिला से विषय रे जदि हम जानबो चांस माने 3 वर्ष न 4 वर्ष हम लॉकडाउन थिला सेथिरे हमें आज बहुत खुशी पाइछु कि जोटा कि हमें बहुत लोक माने समस्ते संस्कृति जेंति भावछन्ति कि माँ को आशीर्वाद माँ को जोटा कि आशीर्वाद अच्छी बोली आगुरी जेंति परंपरा त हमें जानना है परंपरा हमें जानु किंतु एबे जोटा हमें जोटा पुजारी मान संग रे संपर्क भविष्य तो समस्त पूजारी मानक नमस्कार करते आशीर्वाद नि मंदिर को आसिक पूजा से मान विषय कहीपर कि अधिक नुहे केवल बहुत सुविधा पाँच मंदिर भितर आज कार्यक्रम हो शेष दिन आज आम बालीयात्रार द्वादश आरंभ है कि जोटा कि बाली आम लेकिन आम जो गंजाम नदी आगमन कराई पांच दिन व्यापी सी रहा आम द्वितीय दिन आम बिहन पोता है जोटा कि तृतीय दिन आम झुणा द्वारा आम जो बिहन पोता ना बिना पानी आम झुणा द्वारा ही आम प्रयोग करूँ पंचम दिन आम रहा जो कि माँ खंडा मझीरा खंडा आस अवस्थित अच्छी अस्थायी मंडप ये पूजापति है जो नीति अनुजाई जो प्रकार कि आम पटादोली पूजा हुए माँ खंडा पूजा हुए जो आम जो बीज पतन कराइल आम जो गठ बाहर से गचटा को तीन जगह रखिए पूजा पाठ करूँ जो पंचाम सब जहाँ आम पूजा लिया उखड़ा फुड़ा रही लड़ू फोटो आम पूजापति हुए पुणी आज है नवम दिन नवम दिन आम हो कंटादोली झुलिले माँ ता सहित धरिकी अग्नि चलिए आज शेष दिन जोटा कि आम जो नवधान जो लगे तार कार्यक्रम अच्छी बर्तमान से जगह को आम बाहर आज कार्य आरंभ हो रायगढ़ आशुतोष कुमार पट्टनायक रिपोर्ट कामयाब टीवी।